तो आज की OMG स्टोरी है सबसे लंबे बंदे की। ओए ओए ओए, ये बंदा लंबा नहीं, ये तो खंबा है, और इसके सामने ऑटो भी कितना छोटा लग रहा है। ए, छोटा बच्चा कहां से आ गया? तो अब समझ में आया, असल में वो बंदा नहीं था टॉलेस्ट, ये ऑटो था स्मॉलेस्ट। और आज की कहानी है स्मॉलेस्ट व्हीकल्स की, OMG। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं इडुकी केरला। और यहां रहने वाले अरुण कुमार ने सिर्फ एक ऑटो ही नहीं, बल्कि फुल्ली फंक्शनल, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस, सभी मैकेनिज्म से लेस एक मोटरसाइकिल का भी मिनी वर्जन बनाया है। और ये है मिनिएचर ट्रांसपोर्ट। आप भी यही सोच रहे हैं ना कि ये क्यूट लेकिन फुल्ली फंक्शनल गाड़ियां अरुण कुमार जी ने क्यों बनाई हैं? एक्चुअली अरुण के बेटे को अपने बर्थडे पर इलेक्ट्रॉनिक टॉय कार चाहिए थी, लेकिन अरुण उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि बच्चे को तो सैड नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। और आप लोग तो जानते ही हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अरुण ने घर पर ही 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद बना डाला जीप का एक फुल्ली फंक्शनल मिनिएचर वर्जन, OMG। इसे कहते हैं बच्चों के प्यार की ताकत। उसके लिए जरूरी मटेरियल खरीदा, सबसे पहले एक 12 वोल्ट की मोटर ली, उसके बाद कार ली, कार के लिए बैटरी खरीदी। जब मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे आया, मैंने गाड़ी कंप्लीट करके उसे दे दी। परफेक्ट मॉडल आयटे। लेकिन ये पापा यहाँ शान नहीं बैठे, इन्होंने बीड़ा उठाया था मिनी ऑटो बनाने का। अरे भाई साहब, मेरा तो 2.5 किलो का हाथ है, आपकी तो 2.5 किलो का ऑटो लग रहा है। भाई, ये सिर्फ दिखने में ही मिनिएचर है, बट टेक्निकली और फीचर्स वाइज किसी भी कमर्शियल ऑटो से कम नहीं है। इस पिद्दू सी ऑटो में बैक एंड फॉरवर्ड गियर्स, FM रेडियो, पेन ड्राइव स्लॉट, लाइट्स, हॉर्न, वाइपर और न जाने क्या क्या नहीं है भाई। दिस वन इज द शॉक अब्सॉर्बर मैकेनिज्म, हियर यू कैन सी हाउ इट इज वर्किंग। और इसमें OMG बात ये भी है कि इसके मैक्सिमम पार्ट स्क्रैप से बने हैं। जी हाँ, कबाड़ से। बॉडी, ऑटो की फ्रंट बॉडी मैंने डिश से बनाई जो मुझे पड़ोस से मिली थी। बेस पोर्शन गैस स्टोव से बना है। गैस स्टोव। व्हील्स मैंने लकड़ी से बनाए हैं और उनकी लेयरिंग मैंने रबर से की है। ऐसे टायर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वैसे इस पिद्दू को बनाने के लिए अरुण ने मात्र 10,000 रुपए खर्च किए थे, पर मार्केट के हिसाब से इसकी कीमत 25,000 के आसपास होगी। अरे भाई, ऐसे ही थोड़ी है ये OMG। बाय प्रोफेशन अरुण एक नर्स हैं, और अपने हॉस्पिटल में वो पेशेंट्स की जरूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं। और उन मरीजों के प्रति अरुण जी का ये इमोशनल कनेक्ट ही है जो उन्हें इंस्पायर कर रहा है अपने अगले मिशन की ओर। एक अच्छी व्हीलचेयर खरीदने के लिए हमें कम से कम 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं 50,000 में ऐसी व्हीलचेयर बनाना चाहता हूँ जिसमें पुश बैक सीट हो। मैं दुआ करता हूँ आप जल्द से जल्द ऐसी व्हीलचेयर बनाएं जो सभी जरूरतमंदों के काम आ सके। फिजिक्स में अरुण का बहुत इंटरेस्ट है, कुछ भी नया बनाने से पहले बहुत सोचते हैं। अरुण बहुत हार्ड वर्किंग है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अरुण किसी अच्छी पोजीशन पर पहुँचे। पोजीशन लेते हम नागरिक है ना। केरला के अरुण कुमार ने घर पर ही बड़े व्हीकल्स के छोटे रूप बनाकर अपने बच्चों के लिए बनाए क्यूट लिटिल टॉयज। और अरुण की ऐसी क्यूट क्रिएटिविटी वाकई OMG है।